पिछले 3 साल से मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ और जब भी मैंने अपने हायर किए हुए बच्चे देखे या कहीं उनसे बात की, वो हमेशा एक चीज कहते हैं कि फ्रंट एंड तो हमें आ गया लेकिन भैया बैक एंड में बड़ी मुश्किल होती है, स्पेशली भैया डेटा बेस नहीं समझ में आता है। तो मैंने सोचा कि एक बार इसको टेम किया जाए, देखा जाए कि कैसे डेटा बेस पढ़ना चाहिए, कैसे डेटा बेस समझना चाहिए, कैसे डेटा बेस प्रैक्टिस करना चाहिए। और मैंने एक एक्सपेरिमेंट रन किया, डेटा बेस का एक कोर्स बनाया, कुछ वीकेंड्स के लिए कुछ बच्चों को बुलाया, 100-150 बच्चों को, और उनको इस तरह से बहुत धीरे धीरे हौले हौले आराम आराम से डेटाबेस पढ़ाया, बहुत सारी लर्निंग हुई, और कैसे पढ़ाया वो सब मैं आपसे शेयर कर रहा हूं इस डेटाबेस रोडमैप में। तो मेरे हिसाब से, मेरी लर्निंग के हिसाब से, सबसे पहले आपको शुरू करना चाहिए MongoDB या Mongoose से। अब आपका पहला क्वेश्चन आया कि भैया पिछली बार आप कह रहे थे कि Mongo नहीं तो MySQL ही कर लो, फिर आप Mongo या Mongoose क्यों कह रहे? देखो फर्क ही नहीं पड़ता, मैं तुम्हें ऑनेस्टली बताता हूँ, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। डेटाबेस चाहे NoSQL हो या SQL हो, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, डेटा मॉडलिंग के कॉन्सेप्ट्स, डेटा क्वेरी के कॉन्सेप्ट्स, डेटा एग्रीगेशन के कॉन्सेप्ट्स, वो कॉन्सेप्ट्स बहुत ही ज्यादा सिमिलर रहते हैं। और इससे ही फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स रहते हैं। इसका क्या मतलब होता है कि डेटाबेस आज आप MongoDB यूज कर रहे हो, उसके साथ आप एक्सप्रेस यूज कर रहे हो, और कल आप MongoDB का जो कोड है बस उसको चेंज करके MySQL ला दोगे, तो जो एक्सप्रेस का कोड आपने लिखा है, जो Node.js का कोड आपने लिखा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और इस तरह से ही आपको पढ़ना चाहिए, चाहे आप MongoDB करो या Mongoose करो, आपको पढ़ना ऐसे ही चाहिए। कैसे? BE1 Mongo एंड Mongoose, इसमें क्या करना है? सबसे पहले एक्सरसाइज आपको करना चाहिए, आपको क्लाउड में एक MongoDB सेटअप कर लेना चाहिए। कहां करें? एटलस में करें। आपको हर जगह एक स्टेप बाय स्टेप गाइड मिल जाएगा और सेटअप करने में बहुत टाइम नहीं लगता है, थोड़ा ऊपर नीचे होगा, बट बाय द एंड ऑफ दिस एक्सरसाइज आपके पास रेप्लिट पे Node.js और क्लाउड में MongoDB होना चाहिए, और आपका रेप्लिट का Node.js MongoDB से बात कर पाए, तो आपकी पहली एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। अब देखिए, डेटाबेस में घुसते हैं हम और हमें समझ में नहीं आता कि यार ये एग्जांपल क्यों दिया जा रहा है, ये ऐसे क्यों हो रहा है, वो ऐसे क्यों हो रहा है, क्यों? क्योंकि हम डेटा मॉडलिंग को नहीं समझते। अब आप बोलोगे भैया डेटा मॉडलिंग क्या है? डेटा मॉडलिंग बहुत ही सिंपल चीज है ना, कि अगर मुझे एक डेटाबेस को डिजाइन करना है तो कैसे डिजाइन करना चाहिए। अब इसके लिए बहुत सारे क्लासेस होते हैं LLD के, लो लेवल डिजाइन के, बट उतना करने की जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से, खासकर जब आप शुरुआत कर रहे हैं तो इसी चीज में इतना डीप जाने की जरूरत नहीं। बहुत ही सिंपल साधारण से एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे कि एक ID कार्ड उठाया, बोला इस ID कार्ड को अगर आपको डेटाबेस में रिप्रेजेंट करना हो तो क्या क्या फील्ड्स होंगे। तो एक स्टूडेंट ID फील्ड होगी, एक नेम फील्ड होगा, एक फादर गार्जियन फील्ड होगा, एक कॉल का फील्ड होगा, एक आपका प्रोफाइल पिक्चर का फील्ड होगा, एक रजिस्ट्रेशन नंबर का फील्ड होगा। तो ये सारे फील्ड आपको डेटाबेस में डालने हैं। अब आपको समझ में आ रहा है कि डेटाबेस में इस तरह के फील्ड्स के लिए 2-4 तरह के डेटा टाइप्स हैं, और आपको अब एक मेंटल मॉडल बन रहा है कि अच्छा स्कीमा क्या होता है। स्कीमा एक आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट होता है कि कैसे इस पे बिल्डिंग खड़ी होगी। तो जब आप करके सीखते हो ना, इस तरह से एक एक्सरसाइज किया, फिर दूसरी एक्सरसाइज में आप गए, फिर आपने बोला ऐसे, मैंने एक यूट्यूब थंबनेल का स्क्रीनशॉट ले लिया, बोला चलो इसको बना के दिखाओ, उसमें क्या क्या होगा, उसमें टाइटल होगा, चैनल का नाम होगा, चैनल का आईडी होगा, कितना टाइम पहले आया, कितने व्यूज आए, 50 चीजें होंगी। क्या आप एक स्क्रीन को देखकर उसका डेटा मॉडलिंग कर पा रहे हो? फिर मैंने बोला चलो अब एक गिटहब की फोटो लेते हैं और इसकी मॉडलिंग करते हैं, और ये करते करते क्या हुआ कि बच्चों का हाथ बैठ गया। आप भी अगर ऐसे जो अपने आसपास दिख रहा है, चाहे वो एक प्रोडक्ट पेज हो फ्लिपकार्ट का या कुछ भी, आप उसका स्क्रीनशॉट लो, उसमें बैठो, बोलो ये कौन सा डेटा टाइप है, ये नाम है, ये क्या है, ये नहीं है, ये स्ट्रिंग है या इंटीजर है। बीच में एक क्वेश्चन आता है कि तो भैया बैकएंड कब सीखना चाहिए? मुझे लगता है कि अगर आप फुल स्टैक डेवलपर बनना चाहते हो तो बैकएंड आप या तो एंड में सीखो फ्रंट एंड करने के बाद, या पहले सीखो जावास्क्रिप्ट और प्रोग्रामिंग करने के बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपने अपने 8-10 महीने लगाने की ठान ली है कि अपन फुल स्टैक डेवलपर बन के निकलेगा, अच्छा प्रोग्रामर बन के निकलेगा, अच्छा डेवलपर बन के निकलेगा, और मुझे सब कुछ आना है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले सीख लो बैकएंड या बाद में सीख लो बैकएंड, लेकिन जावास्क्रिप्ट पे पकड़ होनी चाहिए, प्रोग्रामिंग पे पकड़ होनी चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू दिस। अब देखिए, अगर आपने मॉडलिंग कर ली है तो अब आपको थोड़ा थोड़ा आइडिया आ रहा है कि डेटाबेस दिखता कैसा है, कैसा बनाया जा सकता है, तो अब आप उस पे थोड़े क्रड ऑपरेशंस करो। क्रड ऑपरेशंस क्या होते हैं? क्रिएट, रीड, अपडेट, डिलीट। तो उसको करने के लिए बिल्कुल बेसिक एक मॉडल उठाइए, बिल्कुल ही साधारण सा एक मॉडल उठाइए और उस मॉडल को क्रिएट कीजिए। जैसे हमने एक मूवी मॉडल उठाया, बोला ये मूवी का मॉडल आपने बनाया था, अब इसमें एक दो मूवी डाला जाए। तो हमने इसमें डाला क्या? बाहुबली डाला, ठीक है। उसके बाद हमने कहा अब जो तुमने मूवी डाल दिया है तो चलो उसको रीड करके देखो। फिर जब मूवी डाल दिया है तो सारे मूवीज रीड करके देखो। उसके बाद सारे मूवीज फ्रॉम अन एक्टर रीड करके देखो। और देखो इससे क्या फायदा हो रहा है, जब हम इस तरह से कर रहे हैं ना कि एक मूवी रीड करो,
सारे मूवी रीड करो, सारे मूवी बाय एन एक्टर रीड करो, सारे मूवी बाय अ डायरेक्टर रीड करो। जब आप ये करते हो तो आपको लगता है कि अरे यार ये तो मैं सीख ही गया था रीड करना। नहीं, रीड करने के जो वेरिएशन है जब इनको आप प्रैक्टिस करते हो तो आपके जो मेंटल मॉडल्स हैं वो रिपीटेशन से और गाढ़े होते हैं और स्ट्रांग होते हैं, और इसीलिए बाद में आपको कंफर्टेबल लगता है कि यार ठीक है, मतलब रीड करना इतनी बड़ी बात नहीं है, क्रिएट करना इतनी बड़ी बात नहीं, मैंने कई बार किया है। जब CR हो जाए तो फिर अपडेट में घुसो, और अपडेट में भी इसी तरह से खूब सारे एक्सरसाइज बनाओ। जैसे एक मूवी को ID से अपडेट करो, एक मूवी को एक्टर से अपडेट करो, एक मूवी को डायरेक्टर से अपडेट करो, तो find by ID and update, ऐसे इस तरह के आपके अपडेट्स के भी बहुत सारे साइकल्स चलने चाहिए। उसके बाद डिलीट करना, डिलीट भी आप मूवी को ID से कर सकते हो, अगर कोई यूनिक की और है, जैसे मूवी का नाम भी यूनिक ही होता है तो उससे डिलीट कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो कि एक ही चीज को कई बार कर रहे हो, और जब आप ये कर रहे हो इस टाइम पर आपको API के बारे में कुछ सोचना ही नहीं है, आपको एक्सप्रेस नहीं सोचना, आप बस Node.js से डायरेक्ट डेटाबेस से बात कर रहे हो और कुछ नहीं कर रहे हो बीच में, तो ये सेपरेशन ऑफ कंसर्न्स है। ये देखिए, आप एक एक फंक्शन लिखना है आपको, ताकि जब आपका एक्सप्रेस सर्वर आएगा तो इन फंक्शंस को डायरेक्टली कॉल कर लेगा, उसे फर्क ही नहीं पड़ता कि इन फंक्शंस के अंदर MongoDB यूज हो रहा है, MongoDB यूज हो रहा है, MySQL यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो फंक्शन जो है एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर, एक सेपरेशन प्रोवाइड कर रहा है। अब आपने क्या किया, मूवी जैसे एक मॉडल पे आपने थोड़ा प्रैक्टिस कर लिया, अब आपको साथ साथ इसी तरह के कुछ और मॉडल्स बनाने चाहिए। जैसे कि अगर आप मूवी का मॉडल बना रहे हो तो बेसिकली आप IMDB जैसा कुछ बनाना चाह रहे हो। इसी तरह IMDB में क्या होता है, मूवी होती है, मूवी के रिव्यूज होते हैं, मूवी की लिस्टिंग होती है, मूवी की रेटिंग्स होती है, यही होता है। सिमिलर चीज आपको कहां देखने को मिलता है, मुझे लगता है सिमिलर चीज हमें Zomato में देखने को मिलता है, हमें TripAdvisor पे देखने को मिलता है। तो आप एक अट्रैक्शन, मतलब अट्रैक्शन होता है ना TripAdvisor में, उसका एक मॉडल बना लो, और Zomato के लिए आप एक रेस्टोरेंट का मॉडल बना लो, और अब इन मॉडल्स पे भी सेम चीजें करो, सेम CRUD खूब सारा चलाओ। अगर आप इतना समय लगाओगे ना, बार बार हर मॉडल पे CRUD ऑपरेशंस चलाओगे, उसको बनाओगे, उसको सोचोगे कि यार इसका स्कीमा कैसा होना चाहिए, क्या पीसेस होने चाहिए, आप देखोगे कि सिंटेक्स पे आपका हाथ बैठ जाएगा। हम बहुत बार सिंटेक्स से इसलिए स्ट्रगल करते हैं क्योंकि हम रिपीटेशन से डरते हैं। हम ट्यूटोरियल में देखते हैं, अरे ये कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, क्या बड़ी बात है, अरे ChatGPT कर रहा है तो हम भी कर लेंगे, क्या बड़ी बात है। नहीं, बड़ी बात है जब मैं ऐसे आपसे हिंदी बोल रहा हूँ तो मैं हिंदी के शब्द सोच नहीं रहा हूँ ना, मैं जो सोच रहा हूँ वो हिंदी में बाहर आ जा रहा है, ये है सिंटैक्स पे पकड़, क्योंकि मुझे सोचना नहीं पड़ता। इंग्लिश में हम लोग बहुत परेशान इसलिए होते हैं क्योंकि हम इंग्लिश में सिंटैक्स और ग्रामर सोचना पड़ता है। क्यों सोचना पड़ता है, क्योंकि हम इंग्लिश में बहुत ज्यादा बात नहीं करते हैं, यही प्रॉब्लम है। इसी तरह प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आपको सिंटैक्स की पकड़ होनी चाहिए, एंड द ओनली वे टू हैव दैट पकड़ इज बाय प्रैक्टिसिंग इट, और कोई तरीका ही नहीं है। तो आप सिमिलर मॉडल, और मैं ये नहीं कह रहा कि एक मॉडल आपने ऐसा बनाया तो एक मॉडल एकदम उससे विपरीत, एकदम उससे टेंजेंशियल बनाओ, नहीं, सिमिलर बनाओ, ठीक है। राम स्कूल जाता है, सीता स्कूल जाती है, क्यों हम इस तरह से लैंग्वेज को पढ़ते हैं हमेशा, जिसमें या तो हम सब्जेक्ट को सेम रख देते हैं, या वर्ब को सेम रख देते हैं, या ऑब्जेक्ट को सेम रख देते हैं, क्योंकि उससे रिपीटेशन करने में आसानी होती है, एक ही बार में सब कुछ नहीं चेंज कर देना है। और ये गलती मुझे लगता है बहुत सारे ट्यूटोरियल और बहुत सारे रोड मैप करते हैं कि आपको रिपीटेशन का टाइम नहीं देते हैं और बोलते भी नहीं रिपीट करने के लिए। देखो, मेरे पास पूरा का पूरा रोड मैप है इसी तरह का, एक्सप्रेस का भी, ऑथेंटिकेशन का भी, और पब्लिशिंग योर API का भी। अगर तुम्हें चाहिए तो सिर्फ एक चीज करनी होगी कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कि भैया पूरा रोड मैप डाल दो। अब जब आपके ये मॉडल्स तीनों बन गए हैं तो आप एक यूजर मॉडल डिफाइन करो, क्योंकि देखो क्या होता है, हर तरह के मॉडल में, चाहे वो e-commerce हो, चाहे Zomato हो, चाहे आपको TripAdvisor हो, चाहे आपको IMDB हो, कोई भी मॉडल ले लो आप, उसमें एक यूजर जरूर रहता है। उस यूजर का काम क्या होता है, उस यूजर का काम होता है लॉग इन करना, लॉग आउट करना, साइन अप करना, पासवर्ड सेट करना, पासवर्ड चेंज करना, प्रोफाइल पिक्चर चेंज करना। अब आपने इतना CRUD ऑपरेशंस लगा दिया है कि आपको ये बड़ा सिंपल लगेगा, क्योंकि एक साइन अप क्या है, क्रिएट है, एक पासवर्ड क्या है, रीड है, एक पासवर्ड चेंज क्या है, अपडेट है, एक फोन नंबर अपडेट क्या है, अपडेट है ना, आप फाइंड बाय आईडी एंड अपडेट करते हो, यही सब चीजें करते हो, तो आप इसको भी सोच पा रहे हो। देखो, जब तक करोगे नहीं पहला वाला ना, सुन के नहीं लगेगा, लेकिन कर लोगे तो हो जाएगा। ये जब करोगे तो आपको एक थोड़ा 90 डिग्री का मॉडल मिला, अभी तक आप इस तरह के मॉडल्स बना रहे थे, अब आप यूजर का मॉडल बनाए, थोड़ा और व्यू आपका होलिस्टिक हुआ है मॉडल्स और CRUD ऑपरेशंस के अराउंड। तो देखो, अब आपके पास दो तरह के मॉडल हैं, इस तरह का मॉडल है जो कि एक प्रोडक्ट के
बारे में बात करते हैं, एक मूवी इज अ प्रोडक्ट, ई कॉमर्स में प्रोडक्ट इज अ प्रोडक्ट, रेस्टोरेंट इज अ प्रोडक्ट, है ना, ट्रिप एडवाइजर में अट्रैक्शन, टूरिस्ट अट्रैक्शन इज अ प्रोडक्ट, और एक यूजर मॉडल है जो सबके नीचे काम करता है बराबर से। अब आपको क्या करना है, यूजर मॉडल को इस मॉडल के साथ इंटीग्रेट करना है। ये कैसे होता है, आपको दिखता है जोमेटो पे आप रिव्यू डालते हो, ट्रिप एडवाइजर पे रिव्यू डालते हो, IMDB पे रिव्यू डालते हो, प्रोडक्ट पे रिव्यू डालते हो, तो क्या है, आपका जो रिव्यू है उस प्रोडक्ट के अंदर जाके बैठता है। तो जब डेटाबेस को क्वेरी करना होता है कि इस प्रोडक्ट के रिव्यूज दीजिए, इस प्रोडक्ट के रेटिंग्स दीजिए, तो वो आपके बारे में भी क्वेरी करता है। ये कैसे होता है, इसका एक तरीका है MongoDB, इसको कहते हैं रेफरेंस। इसी को डेटाबेस में फॉरेन की भी बोलते हैं। एक तरह से दो मॉडल्स को जोड़ा जाता है, इस पे अब आपको समय बिताना चाहिए। बहुत लोग यही गलती करते हैं, घुसते हैं डेटाबेस के अंदर और मार ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, मार ज्वाइन, अपना मुंह सुजा देते हैं। काहे भाई इतना जल्दी काहे है तुमको ज्वाइन करने का, धीरे धीरे करो, पहले थोड़ा सेलेक्ट क्वेरी तो लिखना सीख जाओ, उसके बाद दो टेबल में घुसना, पहले एक टेबल पे तो हाथ बैठा लो। अब सब लोग तो अजय देवगन है नहीं कि एकदम मूवी में एंट्री ही मारे दो मोटरसाइकिल पे पांव रख के, है ना, हम लोग नॉर्मल लोग हैं, हीरो नहीं है, हम लोगों को टाइम लगता है दो मोटरसाइकिल पांव रखने का। लेकिन अब समय आ गया है, अब वो हीरोगिरी कीजिए और इस तरह से रेफरेंस लगाइए, रेफरेंस को पॉपुलेट करना सीखिए। जो यहाँ रेफरेंस और पॉपुलेट है वही MySQL में फॉरेन की और जॉइंस है, ये करना सीखिए। इस तरह के क्वेरीज चलाइए, इस तरह के क्वेरीज चलाइए कि ऑल रिव्यूज बाय दिस यूजर, टॉप 3 रिव्यूज फॉर दिस प्रोडक्ट, इस तरह के क्वेरीज चला के प्रैक्टिस कीजिए। और अब आपसे होगा ये सब, जब आपने पहले उस पर ढेर सारा समय लगाया है ना, तो ये वाली चीजें भी होंगी। और जब ये सब हो जाए तो आप कहो कि यार डेटाबेस में तो अच्छा खासा काम कर लिया, हमने डेटाबेस में सिंपल CRUD ऑपरेशन सीखा, हमने डेटाबेस में यूजर मॉडल बनाना सीखा, हमने डेटाबेस में रेफरेंस, अपडेट, पॉपुलेट सब सीख लिया, तो डेटाबेस पे तो हार्ड बैठ गया है, तो अब हम Node.js से डेटाबेस से बात कर सकते हैं। देखिए अगर बैकएंड पढ़ना है तो पहले डेटाबेस के इन ऑपरेशंस पे पकड़ लानी बहुत जरूरी है। और इसमें क्वेश्चन आता है, बच्चों ने पूछा कि भैया Node.js से करे कि किसी और लैंग्वेज से करे, भैया जावा से करे ये सेम चीज या किसी और से करे या PHP से करे। देखो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, अधिकतर चीजें यहां पर जो है वो मेंटल मॉडल की है। मेंटल मॉडल ये होना चाहिए कि हम रीड कैसे करते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं, डेटाबेस में मॉडल सोचते कैसे हैं, और दीज थिंग्स आर बियॉन्ड लैंग्वेजेस। तो एक बच्चा था, उसने बड़ा अच्छा इस वर्कशॉप में बोला कि भैया मैं 2 मिनट बोलना चाहता हूं, फिर मैंने उसको माइक दिया, तो उसने कहा कि भैया बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं ना PHP और MySQL पे काम कर रहा था, लेकिन पूरे वीकेंड मैंने ये आपसे जो पढ़ा डेटाबेस इस तरह से, तो मैं वापस जाके इस चीज को PHP और MySQL पे भी लगा पाया, कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इतना आपने यहां प्रैक्टिस करा दिया था कि वो आराम से ट्रांसफर हो गया। देखो अगर तुम पहले से कोडिंग कर रहे हो तो शायद तुम्हें एक वीकेंड या दो वीकेंड में ये हो जाए, बट अगर नहीं भी कर रहे हो तो 1 महीने 2 महीने में क्या होगा, ये सब स्किल्स ट्रांसफरेबल हो जाती है। तो लैंग्वेज पे या कौन सा डेटाबेस सीखे इस पे बहुत जोर नहीं देना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये आता है कि भैया आपने बहुत सारी एडवांस चीजें तो बात ही नहीं की, जानबूझ के नहीं की। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने बेसिक पर बहुत सारा टाइम निकाला है तो एडवांस चीजें आप सीख जाते हो, इसके बाद आपको क्या सीखना है, एग्रीगेट फंक्शंस, अगर आप MongoDB सीख रहे हो तो एग्रीगेट सीखोगे, अगर SQL सीख रहे हो तो उसके भी एग्रीगेट्स आते हैं, ग्रुप बाय, डिस्टिंक्ट वगैरह वगैरह, तो वो सब आप आराम से सीख सकते हो, उसमें भी समय बहुत लगाना है, लेकिन ज्यादा समय जानबूझकर इस रोड मैप पे इस पे लगाया गया है, क्योंकि अधिकतर रोड मैप में इसको, या अगर आप कोई Udemy पे कोई कोर्स खरीदो, कहीं भी जाओ ना, तो ये जिस पे इतना सारा समय बीतना चाहिए उसको इतना कर देते हैं, और बाकी इंडेक्सिंग पे, एग्रीगेट पे, डेटाबेस शार्डिंग पे, रेप्लिकेशन पे, जो आपको एज अ डेवलपर जिंदगी में कभी भी नहीं काम आने वाला। अरे भैया जब डेटाबेस ही नहीं सीख पाएंगे, जब बना ही नहीं पाएंगे किसी चीज को, तो क्या घंटे का परफॉर्मेंस बॉटलनेक हटाएंगे, पहले बेसिक चीज पे ढेर सारा समय लगाएंगे। ये पार्ट्स भी हम लोग कवर करेंगे कि एडवांस डेटाबेस का रोडमैप कैसा हो, लेकिन पहले आप ये कर लो। देखो ऐसे समझदारी भरे वीडियोस और आएंगे, क्योंकि मैंने तो ठान लिया कि ढंग से सिखाना है प्रोग्रामिंग, तो अगर ढंग से सीखना है आपको और समझना है तो आपको क्या करना होगा, लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब, और अपने दोस्तों से सच में शेयर करो यार, ताकि सबका टेंशन कम हो कि ऐसे सीखना चाहिए, हम कैसे सीख रहे हैं।